सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना फ्लूइड स्टैटिक्स का #1 वीडियो। और इस सीरीज में अपन क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर का जितना भी सारा जो वो रहता है, क्या रहता है, टॉपिक्स रहता है, सबको पढ़ाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं 10 से 15 मिनट की रहेगी, एकदम लेक्चर वाइज शूट नहीं कर रही अभी अपन। अपन कैसे करेंगे, एक टॉपिक के टॉपिक को पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, टॉपिक के टॉपिक पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इन्फॉर्मेशन ज्यादा तुम तक पहुंच सके। ठीक है, ठीक है। आज अपन बात करने वाले डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी तो यार मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। अगर दो मासेस हैं, मतलब दो लिक्विड्स हैं जिनका मास सेम है, उनको मिला दूँ क्या उनका डेंसिटी सेम रहेगा? दो क्या बोलते हैं लिक्विड्स हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, अब उनको मिला दूँ तो क्या उनका डेंसिटी सेम रहेगा? कैसे टाइप का ये सब सिचुएशन और कैसे सवाल आते हैं यहाँ से, वो भी देख लेंगे अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बेसिकली हम लोग को ये रिप्रेजेंट करता है कि किस पार्टिकल के, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे करके, अब इसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे पास पास है, पास पास है, पास पास है। एक और बॉडी लिए जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, अब मैं बोलूँ किसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी बॉडी के पार्टिकल्स कितने पास पास है, क्या उसको डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है? हाँ, मतलब क्या उस चीज़ को मैं डेंसर बोल सकता हूँ जिसके पार्टिकल्स पास पास में? हाँ, तो डेंसिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर हाउ क्लोज इट इज पैक्ड। ठीक है, तो डेंसिटी को क्या मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ? हाँ। क्या डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूँ? हाँ। तो क्या ये मास अपॉन वॉल्यूम लिख दूं? हाँ। तो क्या टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, इतना तो पता है भाई, सबको पता है इतना, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो नहीं पता हम लोग को। ठीक है, ठीक है, फिर बताते हैं अभी टोटल वॉल्यूम। ठीक, हाँ ठीक, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में अपन इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स का ये मतलब होता है कि फ्लूइड रेस्ट में, स्टैटिक्स का मतलब बेसिकली रेस्ट होता है, ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन में होता है। तो मतलब अभी अपने को ये अज्यूम करते हुए चलना है कि जो अपना पानी है या जो भी चीज़ है उसको अपन रेस्ट में लिए हुए, ठीक, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने पास डायमेंशन क्या आता है? केजी पर मीटर क्यूब। क्या ये आता है? हाँ, मतलब ये तो यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशन कुछ और होता है, ये यूनिट है। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन तो दिख रहा है यार, ऊपर m है, नीचे v है, v को क्या लिखते हैं? l क्यूब। तो डायमेंशन देखूंगा तो m l माइनस 3 हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? वो होता है, ये चीज तुम्हारे काम की, क्योंकि जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो डेंसिटी ऑफ वाटर के बेस पे आते हैं। 1000 kg per meter cube, kg लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे और ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब एक कंडीशन डालता हूँ मैं मान लेता हूँ, केस फर्स्ट बोल रहा हूँ इस चीज़ को, केस नंबर फर्स्ट। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं दो वेसल्स लिया, ठीक है, एक में वॉल्यूम है V, दूसरे में भी वॉल्यूम है V, ठीक है, मतलब वॉल्यूम सेम है। इफ वॉल्यूम इज सेम, ठीक है, वॉल्यूम अब सेम है, एक का वॉल्यूम है V, ऐसे करके लिया, इसका वॉल्यूम है क्या V, इसका भी वॉल्यूम V है, इसमें मास m1 तक वाटर भरा है, इसमें मास m2 तक वाटर भरा है। अब डेंसिटी निकालना है तो रो इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 2v, ठीक है। अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है क्या? हाँ। तो इस m1 को क्या मैं रो 1v प्लस m2 को रो 2v लिख सकता हूँ? बिल्कुल, अपॉन 2v लिख दूँ, हाँ, ऊपर से v कॉमन निकालू, इसके साथ काट दूँ, हाँ, तो मतलब ये भी कट गया क्या? हाँ। तो डेंसिटी क्या आया मेरे पास? रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। मतलब कि मेरे को एक चीज समझ में आई कि डेंसिटी जो है ऐसे चेंज हो जाता है, रो 1 क्या है,
इसका डेंसिटी, रो टू क्या है इसका डेंसिटी, दोनों को मिक्स कर दिया अगर मैं अब, तो नेट डेंसिटी कितना आएगा, इतना। ठीक है, ठीक है। केस टू की बात करते हैं। केस टू में अगर मैं मास सेम रखा, ठीक है, अभी वॉल्यूम सेम रखा था, अब मास सेम रखता हूं, इफ मास इज सेम, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा। अब मान लेते हैं ये एक चीज है, इसका मास है m तक भरा हुआ है, इसमें वॉल्यूम है v1 और डेंसिटी है रो वन। ये दूसरा मास है, इसमें इसका मास है m2, वॉल्यूम है v2, डेंसिटी है रो टू। दोनों को मिक्स किए, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए। अब क्या होगा देखो, रो इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है क्या। हाँ, तो चलो वी वन प्लस वी टू लिख देता हूँ इधर, यहाँ आया टू एम, वी वन की जगह लिखा मैं एम बाय रो वन, प्लस वी टू की जगह लिखा मैं एम बाय रो टू, इज इक्वल टू डाला, नीचे से एम कॉमन निकाला, ऊपर के साथ काटा और इसको सॉल्व किया, तो क्या आया मेरे पास, रो रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, ये आएगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो। तो मतलब डेंसिटी कैसे चेंज होगा, ऐसे, मतलब क्या होगा, एक डेंसिटी रो वन है, एक डेंसिटी रो टू है, जिनका मासेस सेम है, तो क्या होगा डेंसिटी, रो इज इक्वल टू रो वन रो टू बाय रो वन प्लस रो टू हो जाएगा। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक कंडीशन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोग को, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो है अपन थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है कि अगर एक लिक्विड है जिसका मास है m1 और डेंसिटी है रो वन, वो ये इसमें है, और एक दूसरा लिक्विड है जिसका मास है m2 और डेंसिटी है रो टू, ठीक है, वो इसमें है। अब दोनों को मिक्स कर दिए तो डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए भाई, डेंसिटी होता है रो इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास है m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 लिखूंगा। v1 की जगह क्या मैं m1 बाय रो वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल यार, और v2 की जगह क्या मैं m2 बाय रो टू लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल यार। तो इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, रो वन इंटू रो टू ऊपर आ जाएगा, इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा अपॉन m1 के साथ रो टू आ जाएगा क्या, हाँ नीचे कॉमन लेंगे तो, ठीक है, तो m1 रो टू, m1 रो टू प्लस m2 रो वन आ जाएगा। तो यहाँ जो है मेरे पास नेट डेंसिटी आ गया, कब, जब मासेस भी सेम नहीं हो और डेंसिटी भी सेम नहीं हो और वॉल्यूम भी सेम नहीं हो, मतलब तीनों चीज सेम नहीं होगा, तो ये चीज डेंसिटी आएगी अगर दोनों जो है लिक्विड्स को मिला दूंगा तो, ठीक है। अब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करूंगा। तो अगर दो लिक्विड है जिनको मिलाया मैं, सेम अमाउंट है, जब सेम अमाउंट है, देखो जब सेम अमाउंट है तो डेंसिटी है इतना, व्हेन इट इज मिक्स्ड इन सेम वॉल्यूम, जब उन दोनों लिक्विड्स को सेम वॉल्यूम में मिलाया तो डेंसिटी है इतना, फाइंड डेंसिटी ऑफ बोथ लिक्विड। तो यार अब तुम लोग जल्दी जल्दी करोगे, देखो तुम लोग बोलोगे यार मास सेम है m1 इज इक्वल टू m2, तो पहले जो डेंसिटी का फॉर्मूला निकाले थे दैट इज रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, यहाँ टू भी था, हाँ, इज इक्वल्स टू अपन क्या डाल देंगे, छः डाल देंगे, हाँ मास जब सेम था तो यही आया था, हाँ बिल्कुल यही आया था, तो इज इक्वल्स टू छः डाल दिए, जब वॉल्यूम सेम था तो वी वन इज इक्वल टू वी टू बोल सकते हैं, तो क्या आता है डेंसिटी, रो इज इक्वल्स टू रो वन प्लस रो टू अपॉन टू, दैट इज कितना दिया है मेरे को, एट दिया है, हाँ, तो यहाँ से मेरे पास रो वन प्लस रो टू का वैल्यू कितना आ गया, सिक्सटीन आ गया। अब रो वन प्लस रो टू का वैल्यू सिक्सटीन आ गया, क्या इसमें डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ, सिक्सटीन इंटू सिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो रो वन इंटू रो टू जो है, रो वन प्लस रो टू सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन इंटू सिक्स बाय टू, तो सिक्सटीन इंटू एट हो जाएगा, और एट सिक्स होता है फोर्टी एट, तो रो वन इंटू रो टू कितना आ जाएगा, फोर्टी एट। अब रो वन इंटू रो टू मिल गया और रो वन प्लस रो टू मिल गया, अब मैं कैसे निकालूं, तो देखो यार इस, मान लेते हैं मैं रो वन माइनस रो टू लिखा, ठीक है, हाँ लिख दिया,
इज इक्वल्स टू, क्या मैं रूट ओवर रो वन माइनस रो टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख तो सकता हूँ, ठीक है, रूट डाल दिया हूँ, यहाँ स्क्वायर डाल दिया हूँ, बात एक ही है, देखो है ना, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ तो क्या आएगा, रूट के अंदर रो वन स्क्वायर प्लस रो टू स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू रो वन रो टू आएगा। हाँ, अब इसके अंदर एक प्लस टू रो वन रो टू डाल देता हूँ और एक माइनस टू रो वन रो टू डाल देता हूँ। क्यों डाल रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो ये प्लस वाला एक साथ रख लेता हूँ, किसके एक साथ, ये इन तीनों को एक साथ लूंगा तो क्या रो वन प्लस रो टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? हाँ बन तो जाएगा लग रहा है। तो रो वन माइनस रो टू इज इक्वल्स टू रूट ओवर रो वन प्लस रो टू का होल स्क्वायर आ गया इधर और माइनस फोर रो वन रो टू आ जाएगा, माइनस फोर रो वन रो टू, ये लो ये आ गया। हाँ ये आ गया, रो वन प्लस रो टू कितना दिया है मेरे भाई, रो वन प्लस रो टू 16 दिया है। तो डाल देंगे यहाँ पे रो वन माइनस रो टू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रो वन इंटू रो टू कितना दिया मेरे भाई, 48 दिया है, तो यहाँ 48 डाल देंगे। अब देखो यहाँ से जो है मैं एक 16 गायब कर दूंगा, मतलब यहाँ से 16 और यहाँ से 16 गायब कर दूंगा, कॉमन लूंगा और रूट के बाहर पहुँचा दूंगा। तो कितना हो जाएगा रूट के बाहर, 4 आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12, ठीक है। 16 में 12 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, तो 4 इंटू 2 आ गया दैट इज 8 आ गया। अब इसको मैं इक्वेशन नाम दिया 2 और इस वाले को इक्वेशन नाम दिया फर्स्ट, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखना क्या करूँगा, तो इसको एक सेकेंड साइड रखते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू 16, रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल्स टू 8, जो जहां दिख रहा है काट दो ऐड कर दो, 2 रो 1 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8 हो गया 24, तो रो 1 इज इक्वल्स टू 12। तो रो 2 कितना आएगा यार, रो 1 आ गया 12 तो रो 2 आ जाएगा 4, कैसे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना आ जाएगा। तो ये रो वन और रो टू की वैल्यू आ गई, होप समझ में आ गया होगा कैसे किया हूँ इसको सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले तो मिलते हैं अपने अपने अगले वीडियो में, ठीक है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाना भाई, ठीक है।